मॉर्निंग गाइस, और देखिए रम को हम घुमा रहे हैं यहाँ एक खंडवा स्टेशन पे। बिफोर गाड़ी आई है, आधा घंटा हमें टाइम मिला घुमाने को। 40 cc सब कर चुका है। अब थोड़े देर में 5 मिनट में हम इसको वापस अपने उसके जगह पे रखेंगे और इटारसी में इसको खाना देने आएंगे। इटारसी और जबलपुर में हम इसे मिलेंगे बार बार। अब इटारसी में हम सीधा जबलपुर में मिलेंगे इसे, क्योंकि यह स्टॉपेज 5-10 मिनट का जो था और 5 मिनट का हो चुका है, तो इसके रिगार्डिंग हम ज़्यादा रुक नहीं पाते। ऐसे चल रहा है, थोड़ा सा गार्ड के साथ भी हमारा थोड़ा सा हो गया, पर अभी जो गार्ड आए हैं बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ज़रा गाइड किया, तो चलो चलते हैं। रम को मैंने अभी खाना और पानी दे के आया हूँ। अब हमें इटारसी, और जो गार्ड जरा रूडली बात कर रहे थे वो अब जरा अच्छे से बात कर रहे हैं, क्योंकि काम का प्रेशर होता है, इसे सबका निकल जाता है। और अब हम सीधा जबलपुर में खाना कलेक्ट करने जाएंगे कि खाएगा कि नहीं वो पता नहीं, अभी क्या पता खाएगा कि नहीं, देखते हैं। कोई ग्रेवी वाला चीज़ मिलेगा तो खाएगा, क्योंकि वो सूखा कुछ खा नहीं रहे। तो आप लेके आइए तो मोस्टली कुपा में लेके आइए, क्योंकि अब गर्म भी बहुत हो रहा है कुपर में, तो रूम में बहुत गर्म होगा, चिंता लगी हुई है कि ऐसे क्या होगा। चलो देखते हैं ये ट्रेन की जर्नी। अब हम इटारसी स्टेशन पे यहाँ से अब निकलेगी गाड़ी और सीधा जबलपुर के लिए। वहाँ भी 5 मिनट का हॉल्ट है, एक बार वापस हम वहाँ जाकर देख के आएंगे बर्तन में खाना उसने खाया कि नहीं खाया। और वहाँ अलाउड नहीं है वीडियो निकालना, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। मुझे लगता है वाराणसी स्टेशन पे वो बाहर आ सकता है, नहीं तो बाहर आने की अलाउड नहीं है, क्योंकि 5 मिनट के लिए नहीं अलाउड करते। चलो ठीक है, मिलते हैं। और ये है इंजन की तरफ, और हमारा रम एक डब्बा छोड़ने के बाद हमारा रम वो गार्ड रूम में है, तो फिलहाल सिग्नल कभी भी लग। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज झुकी, और हमारी गाड़ी कुछ 45 मिनट लेट है। और देखिए ये हम कुल्लड़ वाली चाय पी रहे हैं रात के 10 बजे। चाय बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ये हमारे ये जो अटेंडेंट है उन्होंने 2 चाय ली कुल्लड़ वाली, और बहुत अच्छी लग रही है। यूपी में आए और कुल्लड़ वाली चाय नहीं पी तो क्या पी। कुल्लड़ वाली चाय का स्वाद कुछ और ही है। कागज वाला लिया तब मैं कहा नहीं कुल्लड़ में, तो हाँ तो अभी यहाँ गाड़ी रुकी हुई है अनक्रॉसिंग में, इसलिए हम रफ के पास नहीं जा सकते, कभी भी सिग्नल लग सकता है। तो गार्ड जी ने हम गार्ड वाले गार्ड सर के पास गए थे, उन्होंने बोला कुछ नहीं, मैंने बिस्किट दे दिया, वो शांत है, आप बनारस में सीधा आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी एनिमल लवर लगे मुझे, वो बिस्किट खिला रहे थे मैं जब गया, तो इस बार कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर बनारस स्टेशन में चाय का स्वाद देता हूँ, फिर बनारस स्टेशन में मिलते हैं। चाय का रात के 1 बज चुका है और हम पहुँच चुके हैं काशी विश्वनाथ स्टेशन पर। यहाँ गाड़ी रुकेगी नहीं, पर स्लो हो चुकी है, यहाँ से 5-10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे बनारस स्टेशन पर। वहाँ उतरेंगे रम को लेके, वहाँ बात करते हैं। ये काशी विश्वनाथ की नगरी, जय हो हर हर महादेव। डर, थोड़ा सा डर आ गया, जिसकी वजह से
से, तो मैंने 122 में कॉल किया और कॉल करने के बाद मुझे हेल्प आई और उन्होंने पूरा वेरीफाई वगैरह किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आप इस रिक्शा से मत जाइए, आपके लिए हम गाड़ी अरेंज कर देते हैं। तो उन्होंने मेरी हेल्प करके इन भाई साहब को मेरे लिए रोका और मुझे बोला कि आजमगढ़ छोड़ देना। तो इनके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद और मेरे यूवर की तरफ से भी आपको धन्यवाद। चलो देखते हैं पहुँचने के, अब यहाँ ये जहाँ उतारेंगे मुझे वहाँ से भी मुझे आगे एक गाड़ी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग जगह जा रहे हैं पर ये मेरे लिए वहाँ से होके जाएंगे। चलो धन्यवाद, थैंक यू। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैं हूँ आजमगढ़ रोडवेज पे। तो जैसे कि आपको पता है कि क्या हुआ बनारस में मेरे साथ, कुछ घटना घटते रहेगी तो भगवान पुलिस के रूप में आ गए और कुछ अच्छा हुआ। मैं अब आजमगढ़ रोडवेज पे आ गया हूँ जहाँ से बस मिलती है। यहाँ से मैं जीएनपुर के लिए बस पकड़ूँगा, फिर जीएनपुर से हम टेम्पो बुक करेंगे और घर पे जाएंगे। तो देखिए राम बैठा है, बहुत सारे कुत्ते लोग को देख के भौंक रहे हैं, बस मच्छर भी बहुत लग रहा है, पता नहीं कब गाड़ी लगेगी बस वो रखेगी। तो मच्छर बहुत परेशान कर रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।